अक्सर बताया जाता है कि अगर आप कहीं एक महफिल में बैठे हो जहाँ पर जैसे आप प्यारे हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्ला सल... हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्ला वम के बारे में कोई बुरी बातें होती हैं तो हमने उस महफिल से उठ के चले जाना है हुँ? तो अगर आप एक ऐसी महफिल में बैठे हो जहाँ पर हज़रत ईसा हज़रतम के बारे में वो कह रहे हैं कि वो खुदा तै के बेटे हैं तो हमें वहाँ बैठना चाहिए या वहाँ से उठ के चला जाना चाहिए बात यह है कि जिस महफिल में तुम बैठे हो अगर वो ईसाइयों की महफिल है तो वो तो बुरा नहीं ना बना रहे हैं उसको समझ आई पसंदीदा बात है हाँ तुम्हें इख्तलाफ है तुम कहो जी ये जहाँ जिस तरह तुम बैठ के इबादत कर रहे हो और बेटा बना रहे हो और शिरक की बातें हो रही हैं वहाँ से उठ के आ जाना चाहिए ठीक है दीन के ख़िलाफ़ जहाँ भी बातें अल्लाह त हस्तीसाँ को जो ख़ुदा बना के बैठे हुए हैं कुरान्ची में कहते हैं कि ऐसा ज़बरदस्त ये गुना है तुम्हारा कि करीब है कि आसमान और ज़मीन फट जाएँ सो so, ये शिरक जो है शिरक है ना शिरक की बातें जो हो रही हैं वहाँ तुम बैठो ना या उनको कहो कि ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है हमारा इसलिए इसके ऊपर बात ना करो कोई और बात करो हुँ? अगर सिर्फ वैसे ही कह देता है ठीक है इसने बात चलते चलते कर दी और ख़त्म हो गई बात बस ठीक है लेकिन वहाँ तो मैं सारी ऐसी बातें मतलब मुस्तकिल होती चली जाए कि जहाँ बस बेटा 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 वहाँ से उठ जाओ मुझे नहीं पता तुम्हारी कौन सी इमरजेंसी ऐसी है जहाँ होता है आजकल तो कोई पूछता भी नहीं बेचार ईसा को हुँ? अक्सर अगर हम स्कूल में जाते हैं तो उधर आपको बताते हैं कि दम के बारे में उधर काफ़ी दफ़ा बोलते हैं स्कूल में अगर आप कहीं जाते हैं तो उधर काफ़ी दफ़ा बताया जाता है कि किज़त इस्लाम खुदा तै के बेटे हैं ठीक है तो वो बारे हुए बता के आगे उधर कहीं फिर और बातें बताते रहते हैं तो हाँ तुम क्लास रूम से उठ के जा नहीं सकती तुम क्लास में टीचर को कहो कि मैं आपको इस्लाम क्या समझता ईसा उसके बारे में बताऊँ फिर कुरान शरीव की तलीम बताओ किसी दिन लेक्चर तो ना जी। इसी तरह तुम तो लेकर रास्ते खोलते हैं ना न साथ इस क्लास फेरस को बताओ कि हम तो ये समझते हैं हम बहुत इज्जत करते हैं ये लेकिन ये समझते हैं